विश्व गांधी शांति सम्मेलन ग्लोबल गांधी पीस कॉन्फ्रेंस। चंपारण की धरती काफी पवित्र और उर्वर रही है। चंपारण की धरती पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अहिंसा की देवी का साक्षात्कार हुआ और आजादी के समय अहिंसात्मक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जैसा मॉडल मिला, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस धरती से गांधी जी को विश्व हस्ती के रूप में पहचान मिली और महात्मा के नाम से जाने जाने लगे, आज महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्मशती पर चंपारण की उसी धरती पर उनके अहिंसात्मक विचारों को युवाओं से संप्रेषित करने के उद्देश्य से ख्वाब फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व के कोने कोने से युवा समाज सेवियों का जमावड़ा हो रहा है। आज दुनिया में शांति और समृद्धि समाजवाद और पूंजीवाद से नहीं बल्कि गांधीवाद से आ सकती है। यह गांधीवाद क्या है, इसे समझने के लिए चंपारण की धरती पर आना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक माध्यम है युवाओं को एक मंच पर लाने का, और इसके माध्यम से गांधीवाद और चंपारण सत्याग्रह को समझाया जा सकता है। युवाओं को आज के आधुनिक युग में आगे बढ़ने और शांति के साथ तरक्की करने के मंत्र को जानने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान से युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इन्हें चंपारण भ्रमण के साथ विश्व शांति राजदूत के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी और विश्व शांति व समृद्धि के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं गांधी जी के सपनों के भारत को साकार करने में लगी 11 हस्तियों को ग्लोबल गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।